है, जैसे काउंसलर का हेल्प लेना है, कुछ बच्चे को नीड है काउंसलिंग का, उसका ये भी एक रिसोर्सेज में आते हैं कि कैसे कैसे रिसोर्सेज की जरूरत है वहाँ पे, जिनको कि हम टैप कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद जो रिसोर्सेज है वो है एड्स एंड अप्लायंसेज बच्चे के लिए, खास करके राइट इनके चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए एड्स एंड अप्लायंसेज। बच्चे को अगर जो जैसे मोटर्स पार्ट में या ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है तो उनको व्हीलचेयर की जरूरत हो सकती है, जी इस तरह के जो ऑर्थोपेडिक एड्स है, प्रोस्थेटिक एड है, उनको जरूरत पड़ सकती है। हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, उनको हियरिंग एड की जरूरत पड़ सकती है। विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा है, उनको लो विजन है तो लो विजन एड्स की एड्स की जरूरत जरूरत पड़ सकती है। विजुअल जी है तो उनको हाँ ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी एड की जरूरत पड़ सकती है। तो इन एड्स अप्लायंसेज का भी एक को भी हम रिसोर्स सपोर्ट के रूप में ले सकते हैं, जी और ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज होता है जिनकी आवश्यकता बहुत जरूरी है। और इन सभी रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए पर्टिकुलरली सर्व शिक्षा अभियान में पूरी तरह से व्यवस्था की गई है, और उसको अब जरूरत होती है यहाँ पर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड नेटवर्किंग विद द अदर ऑर्गेनाइजेशन। और वो अगर आप डिटेल में आप जाना चाहेंगे तो आप अपने पास भी देख सकते हैं कि हर जगह ये इसकी व्यवस्था किस तरह से नेटवर्किंग करके की जा रही है, और ये एसएसए में किया जा रहा है। अब अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप अपने जो नियरेस्ट एसएसए सेंटर हैं या जो भी जी एसएसए के ऑफिशियल हैं, जी जो अथॉरिटीज हैं, आप उनसे कंसल्ट करके आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर, जैसे आपने एसएसए में बताया कि जी व्हाट इट डिमांड्स एंड फुलफिलिंग द प्री रिक्विजिट्स विद द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड नेटवर्किंग, कैसे हम इसको वर्कआउट कर हाँ सकते हैं। बिल्कुल अगर एक जैसे हम ये प्रोग्राम चल रहा है, हम उसका प्रॉपर वर्क चल रहा है, पर हमें फीडबैक लेना है कि हाँ इज दिस वर्किंग प्रॉपरली, तो कैन वी गेट द फीडबैक। ये श्योर, क्योंकि एसएसए पटलिस हम एसएसए के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि एसएसए जो है ना ये कम्युनिटी एंड प्रोग्राम ओन्ड प्रोग्राम है। ये ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जो कि ये कहीं छुपा हुआ है, ये जी कम्युनिटी का प्रोग्राम है, कम्युनिटी के लिए है और कम्युनिटी के द्वारा है, क्योंकि इसमें कम्युनिटी को ही रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, इसमें कम्युनिटी को ही अकाउंटेबल बनाया गया है। और अगर मैं इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं कि ये पंचायती राज सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल है इस प्रोग्राम, क्योंकि सभी पंचायत को इम्पावर्ड किया गया है इस, क्योंकि ये माना जाता है कि उनका प्रोग्राम है और वो खुद अगर इसको मॉनिटर करें तो ज़्यादा अच्छा से कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने नीड के अनुसार इस प्रोग्राम को चला सकते हैं। तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको लेने कहाँ जाना है, कहीं दूर तो जाना नहीं, जी इंफॉर्मेशन तो आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल है, तो आप लीजिए। जरूरत होती है कि हम कितना इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कितना कंसर्न है, तो एक शोइंग ऑफ कंसर्न इज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है पर्टिकुलरली इंक्लूजन इंक्लूसिव एजुकेशन में, वो है लार्ज स्केल ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन। बेसिकली क्या है कि टीचर ट्रेनिंग की हम बात करते हैं बराबर, और टीचर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, शुरू से है, और इसके लिए आपको पता है कि आज के डेट में अराउंड मोर देन 200 ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ, यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, पर्टिकुलरली प्रिपेयरिंग और डेवलपिंग स्पेशल टीचर, हाँ, और इंक्लूसिव टीचर यू कैन से। बट क्या अभी ये फैक्ट है, और हम जानते भी हैं कि ये पूरा ये सफिशियंट नहीं है, जितना रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार सफिशियंट नहीं है, ये नीड है, ये आरसीआई का फाइंडिंग भी है, आरसीआई ने अपना रिपोर्ट भी दिया है कि ये सफिशियंट नहीं है, इसमें रिक्वायरमेंट के अनुसार हम सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, जितना नीड है उसके अनुसार हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं टीचर। उसके लिए जो अभी रिसेंट में पर्टिकुलरली एसएसए ने एक स्टेप लिया था, ये डीपीपी था उसी समय की बात है, डॉक्टर चड्डा वाज देयर, तो उन्होंने विद द मतलब कंप्लीट सपोर्ट ऑफ एसएसए एक 45 डेज का प्रोग्राम डेवलप किया गया था। उसका बेसिक यही पर्पज था कि फेस टू फेस प्रोग्राम था, उसका बेसिक ये पर्पज था कि टीचर जो हमारे जनरल टीचर हैं, जो मेन स्ट्रीम टीचर हैं, उनकी कैपेसिटी को बिल्डिंग किया जाए, कैपेसिटी बिल्ड करके उनको इस लायक बनाया जाए कि इन बच्चों को जो स्पेशल नीड बच्चे हैं या चिल्ड्रन डिसेबिलिटी है, उनको वो पढ़ाने में सक्षम हो, या उनको नीड को आइडेंटिफाई करने में सक्षम हो और नीड आइडेंटिफाई करके उनको पढ़ा सकें। लेकिन उसके बावजूद भी देखा गया कि वो 45 डेज से हम उतना ऑब्जेक्टिव या जो नीड है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो सेम प्रोग्राम को डिस्टेंस मोड में कन्वर्ट करके 90 डेज का प्रोग्राम फाउंडेशन कोर्स के रूप में चलाया गया, और जी वो आज भी चल रहा है, और डिफरेंट स्टेट्स में पर्टिकुलरली एसएसए के टीचर्स इस प्रोग्राम के मैक्सिमम टेकर हैं, वो आ रहे हैं, ट्रेंड हो रहे हैं। इसमें व्यवस्था है कि ये प्रोग्राम 90 डेज का है, बट उसमें भी कई लिमिटेशन है कि एक बैच में हम 40 ले सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल सभी इंस्टीट्यूशंस के बाद प्रैक्टिकल का करने की जो टीचिंग करने का सुविधा या सुविधा सुविधा जो है टीचिंग करने की वो लिमिटेड है, तो मैक्सिमम हम 40 एक बार में कर सकते हैं। जी और एक साथ ये है कि कंट्री वाइड अगर कर रहे हैं तो एक लार्ज, पहले से तो जरूर ज़्यादा
इनटेक बढ़ा है और ज़्यादा टीचर कॉम्पिटेंट हो रहे हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी बढ़ रही है। इसके अलावा जो बीएड स्पेशल एजुकेशन है हमारा, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, ये सभी आरसीआई के स्टैंडर्डाइज कोर्सेज हैं जो इस टीचर ट्रेनिंग के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और ये 90 डे का जो टीचर ट्रेनिंग है उसमें एसएसए के तहत हमने कोई 1,00,000 से ज्यादा टीचर्स को ट्रेन किया है, तो मुझे लगता है ये काफी अच्छी अचीवमेंट है, इम्पोर्टेंट स्टेप है ताकि रेगुलर टीचर्स ज्यादा से ज्यादा ट्रेन हो सके रेगुलर डिसेबल बच्चों को हैंडल करने में। जी, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे यहाँ पर, जब हम शुरू से हम बात कर रहे हैं कि नीड, बच्चे के नीड को आइडेंटिफाई करना है, अकॉर्डिंग टू नीड एजुकेशन की व्यवस्था करनी है, इसके लिए हमें ये तो कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया डिवाइस करना पड़ेगा कि नीड के अनुसार क्राइटेरिया है क्या, किसके आधार पर हम नीड को आइडेंटिफाई करेंगे, एटलीस्ट बच्चे को लेवल करेंगे, क्योंकि नीड सभी का अलग अलग होता है, सभी नीड को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और लेकिन इंडिविजुअल नीड को पूरा करना किसी स्कूल के बस की बात नहीं है जी। तो उसके लिए हमें सभी बच्चों के ग्रुप वाइज लेबलिंग करना जरूरी होता है, तो उसके अनुसार ये आप स्लाइड देख सकते हैं, इसमें है कैटेगरी 1। अगर आप स्लाइड देखें तो आपको पता लगेगा इस स्लाइड में कि क्लासिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी अकॉर्डिंग टू लर्निंग नीड, ये लर्निंग नीड क्या है, तो कैटेगरी 1 में जो रखा गया है वह है कैटेगरी 1 इंक्लूड चिल्ड्रन हु कैन स्टडी इन ए जनरल क्लास विद सम स्पेशल इनपुट्स, इट मीन्स दे रिक्वायर सम स्पेशल अटेंशन और स्पेशल कैरिकुलम, नॉट कैरिकुलम रादर मेथोडोलॉजी, स्पेशल टीचिंग टेक्निक्स हम बात करते हैं, तो उनको हम कैटेगरी 1 में रखते हैं। और ऐसे बच्चे हैं चिल्ड्रन हु आर ऑफ माइल्ड, हु आर वेरी माइल्डली डिसेबल्ड, हु कैन बी इजीली बी हैंडल्ड इन योर रेगुलर स्कूल विद लिटिल ट्रेनिंग टू योर रेगुलर क्लासरूम टीचर, एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट 45% ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी बिलोंग टू दिस कैटेगरी। So now remains only 55%. Then we come to the category 2 that includes the children with mild and moderate disabilities who need counseling services from time to time. It means they have the disability, they belongs to mild and moderate. They can easily cope up with the regular school schools. Yeah. And but some time to time when they feel some problems in adjustment or in a problem in adapting the situation, that can be overcome through proper counseling. Right, and the counseling can either come from the teacher or it can, or the teacher can also counsel parents. तो दो तरह की काउंसलिंग, तीन तरह की हो सकती है, पेरेंटल काउंसलिंग हो सकता है, चाइल्ड काउंसलिंग हो सकती है, एंड टीचर कैन ऑल्सो बी काउंसल्ड बाय सम स्पेशल एजुकेशन टीचर हु कैन काउंसल द टीचर ऑन हाउ टू टीच दीज डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो तीन तरह की काउंसलिंग, थर्टी परसेंट जी। And the third category is this includes the children with moderate severe disabilities need resources assistance including corrective aids and periodical help in academic areas. This is the third category is only 15% of the children belongs to this category, and that those who needs the special corrective aids and corrective action also sometimes. And these are the children who would also from time to time require help from a special resource teacher. Yes, right. तो ये जरूरी है कि हर स्कूल में नहीं तो एक क्लस्टर ऑफ स्कूल्स के लिए एक स्पेशल टीचर को अपॉइंट किया जाए जो रेगुलर स्कूल को विजिट करे टाइम टू टाइम और डिसेबल बच्चों को वो प्लस करिकुलम स्किल्स दे जो विच द चाइल्ड वुड रिक्वायर इन अ रेगुलर क्लासरूम सेटअप। राइट, एंड द फोर्थ कैटेगरीज इज द इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन विद सीवियर डिसेबिलिटीज हु रिक्वायर डायरेक्ट अटेंशन फ्रॉम अ स्पेशल टीचर। So the role of a special teacher is here important, and you can say now easily you can understand the special teacher are also equally important as the resource teacher or mainstream teacher. So the 10% children belongs to this category and they require special attention time to time. Now time to time always. तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि जैसे कि स्लाइड में देख कैटेगरी 1-3 कैन बी मैनेज बाय जनरल क्लासरूम टीचर विद इनपुट इन स्पेशल एजुकेशन, विच मीन्स 90% ऑफ योर डिसेबल्ड चिल्ड्रन कैन गो टू अ रेगुलर क्लास, एंड ओनली 10% चिल्ड्रन जो है जो बहुत ही ज्यादा सीवियरली डिसेबल्ड है दे माइट गो टू अ स्पेशल स्कूल और दे माइट रिक्वायर सम काइंड होम बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम, बट बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ योर डिसेबल्ड चिल्ड्रन विद लिटिल प्रिपरेशन ऑफ स्कूल एंड टीचर्स कैन गो टू योर regular class or regular school setup. So these teachers are being given the training so that they can handle these children. They are being given training and their orientation are towards the how to deal with the
these children mm-hmm. especially. Or in other words, you can say that through this training, their capacity is being enhanced and yes. they are being equipped with the techniques and methodology yes. of teaching mm-hmm. such children. Right. This is the main crux of this thing. Right. So, these are what we are talking about. जो अभी तक हमने बात की वो सभी एक inclusive education के tools हैं जो हम use कर रहे हैं या जिनके तहत हम inclusive education की ओर अपना inclusive education को goal को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं. उसी के क्रम में आपने सुना होगा कि even right of person with disability जिसका हमारा देश हमारा country एक signatory है और उसने ratify भी किया है. इसके अंतर्गत article 24 of UNCRPD UN right for convention of right of person with disability. This is article 24 deal with the education और उसके अंतर्गत ये कहा गया है क्योंकि ये important tool है. ये इसके अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं हैं. इसमें जो भी provision है वो right based provision है ना कि charity based. तो ये inclusive right को काफी अच्छी तरह से define करता है और inclusive right को right of inclusive education को पूरा करने में विभिन्न प्रकार के जो facilities या facilitation की जरूरत है वो इसके अंतर्गत किया गया है. इसके जो पहले हैं वो है सबसे पहला है कि the development by person of disability of their personality, talents and creativity as well as their mental and physical ability to their fullest potential. It means कि जैसे हम normal की बात करते हैं या सामान्य बच्चे की बात करते हैं सामान्य व्यक्ति की बात करते हैं कि उनका personality एक important factor. Personality is क्या? Personality psychophysical system यानी कि शारीरिक और मानसिक जो विशेषताएं उनका एक मिश्रण है. उसी तरह से इन बच्चों के भी जो potential है उसको हम पूरी तरह से यूज कर सकते हैं और यूज करके उनको समाज में एक productive citizen के रूप में स्थापित कर सकते हैं. दूसरा है enabling person with disability to participate effectively in a free society. Free society का क्या मतलब है? आप explain करें. Free society इसका मतलब है कि किसी तरह का भय नहीं हो, किसी तरह का हमें inhibition नहीं है. हम वहाँ से जाने में डरते हैं, नहीं मेरे पास ये थोड़ा सा disability limitation है, हम उसको नहीं cope up कर पाएंगे. मैंने बच्चे में इतनी confidence होनी चाहिए कि वो कहीं भी जा करके interact कर सके, कहीं भी जाके अपने पोटेंशियल को परफॉर्म कर सके या पोटेंशियल को सिद्ध कर सके, वहां पर प्रूव कर सके कि आई एम इक्वली कैपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग एंड मूव कर सके हर जगह, कोई विदाउट एनी लिमिटेशन, वेरी वेल एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी. सो दिस इज रियली वेरी एम्पावर्ड सोसाइटी यू कैन से. एंड आल्सो दैट द सोसाइटी इज फुली गियर्ड एंड फुली एम्पावर्ड टू एक्सेप्ट डिसेबल्ड पीपल. राइट. सो and the next in this regard is the person with disability are not excluded from the general education system on the basis of disability. This is ultimate inclusion because and that the children with disabilities are not excluded from free and compulsory primary education and not from secondary education on the basis of disability. ऐसे बहुत से instances अभी भी हमें सुनने को मिलते हैं कि बहुत से disabled बच्चों को इसलिए admission नहीं दिया जाता क्योंकि schools बोलते हैं कि ये बच्चा disabled है क्योंकि ये कैसे आ सकता है हमारे regular school में, इसलिए तो सरकार ने special schools किए हैं तैयार. तो ये UNCRPD बड़ी clearly इस बात को बोलता है कि no child can be denied admission to a regular school just because he or she is disabled. और जिस school ने अगर इस basis पे किया then as per this act only there can be some punishment that can be afforded to the school because you cannot आप ऐसे अंतर नहीं रख सकते हैं बच्चों में just because the child is disabled. मतलब disability कोई कारण नहीं बन सकता. जी, किसी के denial का कारण नहीं बन सकता या किसी के किसी facility को नहीं access करने का कोई कारण हम disability को नहीं बना सकते, यानी disability को हम यूज नहीं कर सकते. बिल्कुल, बेसिकली मिस यूज नहीं कर सकते. एंड स्पेशली जब हम अब हम राइट टू बात करें कि हर बच्चे का शिक्षा एक राइट है, फिर तो डिसेबिलिटी किसी भी तरह से बीच में आने का सवाल आना ही नहीं चाहिए. जी, तो इसमें नेक्स्ट जो है वो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैन एक्सेस एन इंक्लूसिव क्वालिटी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन ऑन द इक्वल बेसिस विद अदर इन द कम्युनिटीज इन विच दे लिव. ये जो बेसिकली क्रक्स है जो हम इंक्लूजन की बात शुरू से कर रहे हैं वही है कि सभी को इक्वल राइट होना चाहिए. उनको हम ये नहीं कह सकते कि आपके आपके पास ये लिमिटेशन है, आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है या आपकी ये विशेषताएं नहीं है, इसके आधार पे आप सेग्रीगेट हो जाओ. नहीं, कहीं नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. सभी को इक्वल लाइफ लीड करने का जीने का अधिकार है. एंड देन पर्सन विद डिसेबिलिटी रिसीव द सपोर्ट रिक्वायर्ड विद इन द जनरल एजुकेशन सिस्टम टू फैसिलिटेट देयर इफेक्टिव एजुकेशन. जी,
तो सर जैसे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपने डिस्कस करे अंडर UNCRPD, वी आर डिस्कसिंग डिफरेंट एक्ट्स फॉर प्रोवाइडिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन टू द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एंड हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि एवरी इंडिविजुअल हैज राइट टू गेट एजुकेशन. वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट दिस आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. This is Raj Bala. With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. हम होंगे काम में हाँ, हम होंगे काम में हाँ, हम होंगे काम में आप एक दिन. ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे काम में आप एक दिन. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. वेलकम बैक टू आर डिस्कशन. आज का जो बेसिकली हमारा डिस्कशन है, इट्स मेनली फोकसिंग टू द इंक्लूसिव एजुकेशन एंड वी आर गेटिंग द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आर एक्सपर्ट. सो लेट्स कंटिन्यू दिस डिस्कशन.
अभी हम UNCRPD की बात कर रहे थे और उसमें एक अहम मुद्दा ये भी जो इसमें लिखा गया है वो ये है, जो स्लाइड में भी लिखा हुआ है कि डिसेबल्ड पीपल दे रिसीव द सपोर्ट रिक्वायर्ड विद इन द जनरल सिस्टम. तो बात ये है कि जब हम ज्यादा से ज्यादा डिसेबल्ड लोगों को जब रेगुलर सिस्टम में लेकर आते हैं तो ये जरूरी है कि उनको नीड बेस्ड सपोर्ट मिले. अब जब हम शिक्षा के संदर्भ में बात करते हैं तो तीन मोटी मोटी बातें सामने आती हैं. अप्रोप्रिएट सपोर्ट होता है टीचर के माध्यम से, बैरियर फ्री एक्सेस के माध्यम से और एड्स एंड अप्लायंसेस के माध्यम से. टीचर सपोर्ट हो गया कि बच्चे को पूरा टीचिंग एंड लर्निंग में टीचर के थ्रू अप्रोप्रिएट सपोर्ट मिले ताकि बच्चे की टीचिंग लर्निंग है वो बैरियर फ्री हो सके. तीसरा है बैरियर फ्री एक्सेस, बच्चा स्कूल को बिल्कुल बैरियर फ्री होके जो है बच्चे को एक्सेस मिले और स्कूल के अंदर भी कोई ऐसे बैरियर्स ना हो जिससे कि बच्चे को प्रॉब्लम हो. और तीसरा है बच्चे की टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए उसे ऐसे एड्स एंड अप्लायंस जैसे कि ब्रेल हो गया या लो विजन एड्स हो गई, थिक पावर ग्लासेस हो गई, हाई पावर्ड लेंसेज हो गए, ब्रेसेस हो गए लोकोमोटर इम्पेयर बच्चों के लिए, या रीडिंग एंड लर्निंग मटेरियल हो गया विच कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ ब्रेल बुक्स, विच कैन बी इन फॉर्म ऑफ ब्रेल स्लेट्स. तो हर तरह का वो एड्स एंड अप्लायंस बच्चे को मिले वो भी एक अप्रोप्रिएट सपोर्ट के ही संदर्भ में हम बहुत एक उसको एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट समझते हैं. इसके अलावा साइन लैंग्वेज भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि साइन लैंग्वेज में अभी क्या है कि हमारे यहाँ साइन लैंग्वेज का थोड़ा सा साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की कमी है या साइन लैंग्वेज में जो कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए उनको कमी है, कॉम्पिटेंट ट्रेनर ट्रेंड लोगों की कमी है. लेकिन ये भी एक सपोर्ट के रूप में इन द कोर्स ऑफ टाइम ये आ जाएगा इन ड्यू टाइम और ये इसके लिए भी प्रयास जारी है, चल रहा है. और दूसरा क्या, इंश्योर दैट द एजुकेशन ऑफ पर्सन एंड इन पर्टिकुलर चिल्ड्रेन हु आर ब्लाइंड डेफ और डेफ ब्लाइंड मल्टीपल डिसेबिलिटी कैन से एज डिलीवर्ड इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट लैंग्वेजेस. लैंग्वेजेस मीन्स कि उनका इसलिए कहा जाता है कि हम अपने लैंग्वेज के अनुसार नहीं, हम उनके नीड के अनुसार बात करें, जब भी बात करें तो अपने अनुसार नहीं, उनके लैंग्वेज में कौन सा लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज उनके लिए इफेक्टिव है या क्या लैंग्वेज में वो रिसेप्टिव है, कौन सा लैंग्वेज ज्यादा उनके लिए सुटेबल होगा, इसकी भी इसका भी ध्यान रखना पड़ता है. और इसकी जो बेटर है कि उनको इसकी ध्यान में रखते हुए उनके साथ हम बात करें जिससे कि जो बेसिक एजुकेशन ये कम्युनिकेशन का पर्पस होता है टू कन्वे द मैसेज वो पूरा हो जाए, वो इम्पोर्टेंट होता है तभी. अदरवाइज क्या है कि हम कन्वे करते जा रहे हैं और वो रिसीव नहीं हो रहा है, कॉम्प्रिहेंशन कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम आपका बरकरार रहेगा जस के तस. इसलिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा और ये UNCRPD में भी काफी जोर देके कहा गया. दूसरी बात यह है जो स्टेट पार्टी शैल टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स टू एम्प्लॉय टीचर्स इंक्लूडिंग टीचर्स विद डिसेबिलिटीज हु आर क्वालिफाइड इन साइन लैंग्वेज एंड ब्रेल एंड टू ट्रेन प्रोफेशनल्स एंड स्टाफ हु वर्क एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन. Such training shall incorporate disability awareness and the use of appropriate augmentative and alternative modes, means and format of communication, educational techniques and materials to support person with disability. यानी कि ultimately बात वहीं पे आ जाती है घूम के कि anyhow need, आपको need को देखना ही है, उसके अनुसार आपको व्यवस्था करें. यहाँ पर एक जो नई बात कही गई है कि teacher भी हम कोशिश करें कि teachers जो person with disability हैं उनको train करके उनको इस लाइन में लाया जाए तो वहां पर जो एक मैसेज का कन्वे या जो ट्रांजेक्शन ऑफ टीचिंग होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, रोल मॉडल के रूप में होगा. और दूसरा है स्टेट पार्टी शैल इंश्योर दैट पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर एबल टू एक्सेस वोकेशनल ट्रेनिंग, एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑन एन इक्वल बेसिस विद अदर्स. टू दिस एंड स्टेट पार्टी शैल इंश्योर दैट रीजनेबल अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज. यहाँ पे आप हर जगह से कहीं भी सेग्रीगेट नहीं कर सकते. वोकेशनल ट्रेनिंग, एडल्ट एजुकेशन, अगर उनको मतलब बच्चे का नहीं तो अगर एडल्ट विथ डिसेबिलिटी है उनको भी, क्योंकि जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो हमें कहीं सेग्रीगेशन सोचना ही नहीं है. तो जब हम एडल्ट एजुकेशन वहां दे सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं, बिल्कुल. तो इंक्लूजन तभी हमारा पूरा होता है. और बात ये हो रही है कि सारे लेवल्स पे उनको हम बिल्कुल इक्वल पार्टनर समझे डिसेबल बच्चों को, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, सेकेंडरी लेवल हो, वोकेशनल ट्रेनिंग हो या अडल्ट लर्निंग की स्टेज हो, दे शुड बी कंसिडर्ड एज इक्वल पार्टनर. यस. सो नाउ ऑल दिस कंसिडरिंग ऑल दिस इम्पोर्टेंट एक्ट, टूल्स एंड व्हीकल्स, यू कैन से वी कैन think more about the inclusion and inclusive education in a better way. Now I think we have a more clear concept about how to go about the inclusive education, how to perform the, in better way to achieve the inclusive education, and how can think better
for the achieving the goal of inclusive education. This is all about the discussion. Now you can participate, you can ask if you have any question in mind. जी, जैसे कि सर आपने बताया इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, जो कि आजकल का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उसमें हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करे, जिसमें डिफरेंट एक्ट्स की हमारे एक्सपर्ट ने बात करी. डिफरेंट एक्ट्स में हमने देखा पीडब्ल्यूडी एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, एंड देयर डिफरेंट टारगेट ग्रुप, हाउ दे आर वर्किंग, व्हाट आर द प्रोविजंस द एक्ट इज प्रोवाइडिंग. और उसके साथ साथ हमने बात करी थी सर्व शिक्षा अभियान की, जिसमें कि एक गोल है जीरो रिजेक्शन का, और एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू एजुकेट. तो ये हमने बात करी थी आज के डिस्कशन के बारे में, जिसमें हमारे एक्सपर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी. तो आप लोगों को मोटिवेट होना है, एंड एवरीबडी शुड गेट मोटिवेटेड टू गिव एजुकेशन, टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड गिव एजुकेशन टू ऑल. Thank you, sir, for giving all these informations to our viewers. That was all about the today's discussion. Thank you so much.